साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। चूँकि हमें इन्वायरमेंट से लगाव है तो इस खोज में, इस सर्च में और आशीर्वाद लेने के लिए मैं विभिन्न जगह जाया करता हूँ। इसी जाने के क्रम में हमारी मुलाकात हुई सरिता नंदा मैम से, और आदरणीय सरिता नंदा मैम दौलत राम कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग में हैं। इनको भी पर्यावरण से सरोकार है, और इसी सरोकार को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने कॉलेज में एक बहुत बड़ी मुहिम शुरुआत की है। मुहिम ये है कि कॉलेज साफ सुथरा कैसा रहे और साथ में एक रिसाइकिल होता रहे। तो कॉलेज में बहुत ही हरियाली है, आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे इस पूरी दौलत राम कॉलेज को एक तो खुशहाल बनाते हैं, साथ में आबाद बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे परिंदों का बसेरा। साथ में चूँकि बहुत सारे दिल्ली में विभिन्न जगह से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एक यादें ले जाते हैं अपने साथ जीवन पर्यंत। तो इसी जीवन पर्यंत यादों को और ताज़ा रखने के लिए हम पहुँचते हैं हरियाली की ओर। आइए जानते हैं सरिता नंदा मैम से, और विशेष कि वो क्या कर रही हैं। नमस्कार, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग हमने शुरू किया है, और यहाँ पे हमारे कैंपस में 500 पौधा है, और उसको उसका जो पत्ता है, जैसे कि आपने देखा ही है कि दिल्ली में दो बार जो होता है गर्मी और सर्दी में पतझड़ खूब ज़ोरों से होता है, और बहुत सारा पत्ता आपने देखा है रोड पे, जगह पे, सभी जगह फैला रहता है। तो ये जो पत्ते थे वो पहले ढेलों पे जाते थे, उनको देख के बड़ा ही दुख होता था कि हमारा इतना अच्छा रिसोर्स जो है वो हम यूं ही कूड़े में फेंक देते हैं। तो हमने इसी को सोच के एक रिसाइकलिंग यूनिट हमारे कॉलेज में हमने शुरू किया, और उसमें हम ये पत्तों को छोटा काट के और उसका मल्च बना के उसको कंपोस्टिंग करते हैं, और ये कंपोस्ट जो है वो हम उसको फिर हम आगे लोग प्रयोग भी करते हैं, आप अपने पॉट्स में और मल्चिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंपोस्टिंग है इस पत्तों की, ये यूनिक है, मतलब कि आपने जो आप गोबर की घास जो भी खाद लेते हैं वो आप खाली 2 महीने जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गर्मी में उसको इस्तेमाल करेंगे तो पौधा मर जाता है। ये तो आप लोग जो भी पौधों से जुड़े हैं उनको पता होगा, पर ये जो मल्च और ये जो कंपोस्ट है, एक तो ये बड़ा प्योर है, हमने इसमें कल्चर डाले हैं जिसमें कि माइकोराइजा बैक्टीरिया सब है, और इससे इसकी जो क्वालिटी, इसमें जो नाइट्रोजन और पीएच और ये सब जो है वो पूरा स्टैंडर्ड पे आ जाता है, और ये आप 12 महीने अपने पॉट्स पे डाल सकते हैं। इसको आप अपने पॉट्स के नीचे और मल्चिंग की तरह बीच में भी डाल सकते हैं। तो इससे आप हम लोग ने इनको जब प्रयोग किया तो हमने देखा कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो एक बड़े हरे, जैसे कि वो पेड़ के साथ जब कोई मनी प्लांट उगता है तो आपने देखा होगा कि कितना सुंदर हो जाता है, उसी तरह हमारे पॉट्स में भी इनको प्रयोग करने से उसका असर। हाँ देखिए, अभी एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है, मैम ने ये बोला कि ये बिल्कुल कूल रखता है आपके पौधों को, तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने पॉट मिक्स को जब तैयार करते हैं तो सबसे बॉटम लेयर में ये डालिए, साथ में जब आपके पौधे गर्मियों को बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं तो आप एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाइए अपने मिट्टी के पास, एक आप मल्चिंग कीजिए। और आइए आप दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे बन रहा है, थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज़ करता हूँ। तो आप देखिए इस यूनिट में साधन तो चूँकि यहाँ पर अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत के साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ा ज़रूरी हो जाता है, और ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हाँ इस यूनिट की जो खासियत है उसमें ये दिखा रहे हैं कि पूरी कैंपस से आपके बीच ये इस तरह के पत्तों को ले के आना, कलेक्ट करना, और हाँ सबसे बड़ी बात है वो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि इन सारे पत्तों में बिल्कुल हाईली न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं। कारण यह है कि यह इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं, तो इस औषधीय गुण वाले पौधों के जो पत्ते निकल रहे हैं उनमें भी बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके पौधों को खास करके एक बहुत ही अच्छा बैकअप देते हैं। तो आइए और इसमें शामिल होइए, थोड़ा सा चूँकि ये सामाजिक सरोकार का भी है तो इस सामाजिक सरोकार में इस तरह से इसको लीफ मोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और कल्चर में इसको रखते हैं, और मॉइस्चर मेंटेन करके ये सारे कट्टे भरे हुए रखे हुए हैं। आप यदि दिल्ली में हैं
और दिल्ली NCR में है, और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मुझे अच्छे क्वालिटी की इस तरह की पत्तियों की खाद मिलेंगे, तो आप ज़रूर रुक कीजिए दौलत राम कॉलेज में। दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और यहाँ पर आपको मिलेंगी सरिता नंदा मैम, जो कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। तो आइए, मैं आपको फिर कनेक्ट करूँगा, और छत पर बागवानी, आपके घर के किचन की बागवानी कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा। मैं प्रवीण मिश्रा, दिल्ली कैंपस दौलत राम कॉलेज से।